नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव राजपूत आपके अपने YouTube चैनल GPS स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं एफर्मेटिव टू नेगेटिव, जो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक टॉपिक है। अब देखते हैं कि एफर्मेटिव से नेगेटिव हम किस तरीके से चंद सेकंड में बनाते हैं। तो सबसे पहली बात होती है, नेगेटिव को बनाने के लिए सहायक क्रिया के साथ नॉट, सबसे पहली बात क्या होती है, सहायक क्रिया के साथ नॉट का प्रयोग जो है जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना नॉट के नेगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता। अगला पॉइंट है कि यदि वाक्य में ओनली या एलोन शब्द दिया है तो इसके स्थान पर क्या लगा देते हैं, नन बट का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है, यदि वाक्य में वर्ब का विलोम न बने तो अपनी तरफ से फेल वर्ब का प्रयोग करते हैं। फेल वर्ब का प्रयोग करते हैं। और जो अगला और मुख्य पॉइंट है वो है एडजेक्टिव का विलोम करते हैं। और नेक्स्ट बिंदु है, यदि वाक्य एज से प्रारंभ है तो नो सूनर प्लस वर्ब का प्रयोग करते हैं, और कॉमा के स्थान पर देन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं। बस ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, इनके माध्यम से। एक पॉइंट और है कि यदि वाक्य पॉजिटिव डिग्री का है तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री का है तो पॉजिटिव डिग्री में बस ये हमारे कुछ 5-6 की पॉइंट्स हैं, इनके माध्यम से कोई भी एग्जाम्पल होगा 1 सेकंड के अंदर आपका सॉल्व हो जाएगा, चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से आपको किस तरीके से 1 सेकंड में आपको बताता हूँ कि एफर्मेटिव से नेगेटिव
किस तरीके से चेंज करते हैं। मुख्य बात होती है कि क्रिया के साथ नॉट होना चाहिए और एडजेक्टिव का विलोम होना चाहिए। कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जिनका नेगेटिव होता है, जिनका नेगेटिव नहीं बनता, तो उन्हें हम जो है फेल वर्ब लगा करके बना। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसे हमें नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो अब देखते हैं हम। तो सी, अब हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पे एज है, तो हमें इसके साथ क्या इस्तेमाल करना है, नॉट अकॉर्डिंग टू रूल। अब यहाँ पे देखते हैं ए है तो ए है। अब यहाँ हमारा एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, तो मैंने जैसा कि रूल में बताया कि एडजेक्टिव का विलोम करते हैं। अब ब्यूटीफुल का विलोम क्या होता है, अगली यू जी एल वाई गर्ल, और ये हमारा हो गया बिल्कुल एक सेकंड के अंतर्गत नेगेटिव। कहने का मतलब ये है कि कभी भी नेगेटिव या कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ ही होता है कि बिना मीनिंग चेंज किए हुए वाक्य का बदलना, यानी सेंटेंस चेंज हो जाए लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं हो। रूप, स्ट्रक्चर, सारी चीजें चेंज हो सकती हैं लेकिन अर्थ में कोई भी बदलाव ना हो। जैसे ऊपर है सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है, तो नीचे कह रहे हैं कि सी इज नॉट ए अगली गर्ल, सॉरी यहाँ पे एन आएगा, एन अगली गर्ल, कि वह एक कुरूप या भद्दी लड़की नहीं है। जब कुरूप या भद्दी लड़की नहीं है तो कैसी लड़की है, वो सुंदर लड़की है। अगला उदाहरण है हमारा, ही saw the Taj। अब देखते हैं सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो ही डिड नॉट। अब यहाँ पे सौ का उल्टा कुछ हो नहीं सकता, इस वर्ब का विलोम नहीं बनेगा, तो हमने अकॉर्डिंग टू रूल बताया कि अपनी तरफ से फेल लगा देंगे। तो फेल टू सी द ताज अपने आप हो गया। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, राम इज एज टाल एज मोहन। अब देखते हैं ये एज एज में दिया हुआ है, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, तो हम सबसे पहले हम क्या लेंगे, जब ऐसे पॉजिटिव डिग्री का वाक्य हो, दो सब्जेक्ट दिए हो, तो दोनों के स्थान हम चेंज कर देते हैं। तो अब हम सबसे पहले लेंगे मोहन। अब एज, अब भाई नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट तो अनिवार्य है, नॉट हो गया। अब ये पॉजिटिव का है तो कंपैरेटिव में बदलेंगे और कंपैरेटिव का है तो पॉजिटिव में, इसलिए एज टाल एज को हम क्या कर देंगे, टालर। अब कंपैरेटिव है तो सेकंड फॉर्म के बाद हमेशा देन लगता है। अब क्या रह गया, राम, ये हमारा कहां पहुंच जाएगा, पीछे। अगला उदाहरण है हमारा, एज सून एज ही सा ए लॉयन कॉमा ही रैन अवे। अब देखते हैं, तो मैंने पहले बता दिया रूल में कि एज सून एज दिया हो तो उस जगह हम क्या लगाते हैं, नो सूनर। अब वर्ब लगाएंगे, अब पास्ट इंडेफिनिट का है इसलिए क्या आ जाएगा, यहां पे डेड आ जाएगा ही। अब डेड आ गया तो पहली फॉर्म आ जाएगी सी ए लॉयन। अब कोमा की जगह जैसा मैंने पहले बताया क्या लगेगा, देन ही रन अवे। इस तरीके से हम एज सून एज वाले वाक्य को नो सूनर लगा करके हम नेगेटिव में परिवर्तित करते हैं। अब अगला उदाहरण ले रहे हैं, ओनली राम रीच्ड स्कूल इन टाइम। अब देखते हैं, जैसा मैंने बताया कि वाक्य में अगर ओनली दिया हो या एलोन दिया हो
तो उसकी जगह हम नन बट का प्रयोग कर देते हैं। तो नन बट राम रीच्ड स्कूल इन टाइम। तो अगर किसी में एलोन या ओनली शब्द आता है तो हम नन वर्ड लगा करके नेगेटिव उसका तैयार करते हैं। कभी कभी ठू वाला वाक्य भी नेगेटिव में परिवर्तन के लिए आ जाता है, जैसे सीमा इज टू साई टू स्पीक ए वर्ड। अब देखते हैं तो इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो वही इसमें रूल फॉलो करेंगे हम। तो सीमा इज सो साई दैट सी कैन नॉट स्पीक ए वर्ड। यहां मैंने कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना सिखाया कि हम किस तरीके से देखते ही वाक्य को नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। मैंने सारे रूल्स पे एक एक एग्जांपल आपको दिया है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सारे एग्जांपल्स के द्वारा ये चीज़ आपकी समझ में भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो और ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए हों तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही और आगामी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।